हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको मैं इस तरीके का पैटर्न बनाना बताती हूँ। आइए आप पैटर्न शुरू करती हूँ। एक फंदा ऐसे निकाल लो, एक बना लो, दो उल्टे ऐसे, तीन सीधे। ये तीन सीधे बना लिए। ये फर्स्ट वाला इस तरीके से तीन का दो करना, इस तरीके से, फिर दो उल्टे। तीन सीधे, ये तीन सीधे बना लिए। ये फर्स्ट वाला ऐसे आगे से तीन का दो, दो उल्टे। एक बार और बताती हूँ। एक दो, ये तीन, तीन का ये पहला आगे से ऐसे। इसी तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करूँगी। अब ये रो मेरी कंप्लीट होगी। ये दो का, तीन का दो बना दिया, दो उल्टे। अब पीछे वाली रो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये निकाल लिया, ये बना लिया, और ये दो उल्टे, और जो ये तीन थे इसके दो बन गए। ये दो इस तरीके से उल्टा बनाऊंगी, ये इस तरीके से दो सीधे। बैक रो में इस तरीके से आए गए। अब मैं इसी तरीके से इसको बनाती हूँ। अब मैं फ्रंट रो में, ये तीसरी रो में, ये दो सीधे दो उल्टे, जो तीन का दो बना रखा था उसको मैं कैसे बढ़ाऊँगी ये देखना आप। एक फंदा ऐसे सीधे, और ये बीच वाली में ऐसे जाली देना है। फिर शुरू के तीन आ गए, ये एक फंदा, ये जाली, दो उल्टे, दो सीधे में, बीच में जाली, दो उल्टे, पीछे वाली रो में ऐसे बनाऊंगी, तीन जाली वाले के बनाऊंगी, दो ये जो उल्टे हैं आगे से यहाँ से सीधे होंगे इनको बनाऊंगी, कि अगली रो में आती हूँ। अब मैं ये जाली दे रखी थी दो फंदों में, उसकी बैक रो बना रही हूँ। एक फंदा निकालो, एक इस तरीके से बना लो, और दो फंदे ऐसे सीधे आएंगे मेरे, और तीन फंदे, ये जो जाली वाला, ये तीन फंदे बन गए, दो सीधे तीन जाली वाले, दो सीधे, और ये जो दो जाली दे रखी थी, एक ये जाली वाला। अब ये मैंने जो दो फंदों में जाली दे रखी थी, अब इसको धागा पीछे ऐसे ऐसे एक फंदा बना लो, दो तीन, जो मैंने शुरू में किया था, ये फर्स्ट फंदे को इस तरीके से ऐसे, ये समझ आ गया होगा आपको, इस तरीके से डब्बा सा बन जाएगा। हर एक दो तीन चार पाँच, पाँचवीं रो में हर बार एक बार इधर बदेगा, एक बार इधर, फिर दो फंदे उल्टे, और ये तीन फंदे जाली वाले इस तरीके से, ये आगे वाला फंदा
आप इसको दो कर लो, इसी तरीके से मैं ये रो पूरी करके और बैक रो में दो उल्टे बनाऊंगी, ये दो सीधे आ जाएंगे पीछे वाले, फिर आती हूँ अगली रो पे। अब इस तरीके का पैटर्न बन गया। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।